आज का वीडियो थोड़ा हटके होने वाला है। आज का वीडियो सूजी के हलवे से स्टार्ट करने वाला हूँ। तो ये सूजी का हलवा यार, जब भी मेरे डैड आते हैं सऊदी से तो सूजी का हलवा बनाते हैं, और ये सूजी का हलवा जो है बहुत ही टेस्टी बनाते हैं, क्योंकि कोई अपनी कोई रेसिपी वगैरह हमें भी नहीं बताते। और ये हलवा बनाते हैं तो जब हम टेस्ट करते हैं तो बहुत ही इसका जो स्वाद है बहुत ही कोई आला स्वाद है। तो आज के दिन मैं शुरू करने वाला हूँ, आज का व्लॉग शुरू होने वाला है फूड आर्मी का। तो आप सबको सबसे पहले खुशामदीद कहते हैं फूड आर्मी टीम से। तो आज का व्लॉग थोड़ा सा हटके करूँगा दूसरे मेरे व्लॉग से, और दिन पूरा दिन अपना मैं जैसे स्पेंड करूँगा आज, और काफ़ी जगहों पर जाऊँगा आज, और बीच बीच में फूड रिव्यूज़ भी करूँगा। तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहो। और ये टी शर्ट अगर आपको अच्छी लग रही है मेरी और आप ये लेना चाहते हो तो इसके बारे में बताऊंगा, कमेंट सेक्शन में बता दो। ये टी शर्ट चाहिए, कहाँ से मिलेगी ये टी शर्ट, उस पर लिखा है यू मी एंड माई फॉलोअर्स। यार ये वीडियोस बहुत ही मुश्किलों से मैं बनाता हूँ ये वीडियोस, और वीडियोस देखो तो उस लाल वाले बटन को लाजमी दबाओ। तो लाल वाले बटन को जितना लाल कर सकते हो कर दो, और उसके साथ में दिए गए बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करो, ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप घर बैठ के चाय पीते हुए आराम से देख सको अपने सोफे पर। तो यार इस वीडियोस को भी लाइक करो, और आने वाली तमाम वीडियोस को लाइक करो और सपोर्ट करो फूड आर्मी को। तो यार सबसे पहली जिस जगह पे मैं जा रहा हूँ, और आज का पूरा दिन आपके साथ होगा, और पहली जगह जो कवर करने जा रहे हैं हम वो है मस्कन। और मस्कन की बहुत सी वीडियोस देखी है मैंने, और आज हमने भी सोचा कि हम भी उस जगह पे जाएं और कवर करें। तो वो जो चीज़ है वो वहीं पहुंच के बताऊंगा मैं आपको कौन सी चीज़ मैं डिस्कवर करने जा रहा हूं। और बहुत ही कोई मशहूर जगह है, और बहुत ही कोई लजीज चीज़ खाने जा रहा हूं, तो मेरे साथ जुड़े रहिए वीडियो। और ओवरऑल जो है इनका सॉल्ट का पानी भी इतना स्पाइसी नहीं है,
और ये भी टेस्टी है यार। तो मनपसंद पे मैं आ चुका हूँ और मनपसंद पे मेरा जो मेहमान है, जो मेज़बान है मेरे एक्चुअली, वो है कामिल मजीद साहब। कामिल मजीद से पूछते हैं कि कामिल मजीद सर, आप पिए नहीं है मनपसंद गोल गप्पे जी? यार इनके गोल गप्पे की मशहूरी का राज उनसे पूछते हैं, तो यार आप थोड़ा बताओगे यार आप गोल गप्पे इतने मशहूर क्यों हैं? सर सबसे पहले जो बात ये है कि एवरी थिंग इज़ फ्रेश होती है हमारे पास, हर चीज़ फ्रेश होती है। अच्छा। कोई भी चीज़ यानी कि बच भी जाती है तो हम उसको दूसरे दिन यूज़ नहीं करते। अच्छा। बाद बात कस्टमर ये कहते हैं कि गोलगप्पे क्रिस्पी नहीं है आपके यार, आपको मज़ा नहीं आ रहा, बासी हैं। तो वो बासी नहीं होते एक्चुअली, वो होते ताज़े, क्योंकि वो जब ताज़े ताज़े बन के आते हैं उसको हीट लगती है 1 से 1.5 घंटा, तब जाके वो क्रिस्पी होते हैं। यानी कि जितने ये बासी होंगे ना गोलगप्पे रखे हुए, जो शेल है ये जितना बासी होगा उतना ही क्रिस्पी होता जाएगा। अच्छा। आप कस्टमर ये कहता है, ज़्यादातर लोग ये कहते हैं कि आप बासी हैं, ये बासी नहीं होते, ये ताज़े होते हैं। अच्छा। और तो और हमारे पास जितना भी माल बचे अवल तो बचते नहीं, अलग नहीं रेगुलर बनता है, सारा सारा होम मेड होता है हमारा। अच्छा अच्छा, होम मेड। गोलगप्पे मार्केट से आते हैं, क्योंकि माशाल्लाह से हमारी कटिंग इतनी है कि हम घर में नहीं बना सकते। 12-13 हज़ार गोलगप्पा जो है हम डेली बेसिस पे हम घर में नहीं बना सकते। मशहूरी में इसी बात से लगाते हैं कि 12-13 हज़ार गोलगप्पे एक दिन में सेल आउट करते हैं, तो हम भी आए हैं देखने के लिए गोलगप्पे। तो आप बनाते कैसे, थोड़ा बता। तो ये बनाते कैसे हैं, थोड़ा इससे पूछते हैं आप बनाते कैसे हैं गोलगप्पे? गोलगप्पे में सर हम इसमें डालते हैं फ्रेश चने होते हैं, साथ में खजूर की चटनी होती है जो कि होममेड होती है। अच्छा अच्छा। और बाकी पापड़ी वगैरह थोड़ा सा हमने इसको मॉडिफाई किया है। एक गोलगप्पे का नाम सुन के एक कॉन्सेप्ट आता है जहन में आम आदमी के कि यार गोलगप्पे है क्या? हल्के से चने डले होंगे, उसमें हल्की सी मीठी चटनी होगी और अरोड वाली, और उसको डीप करके खाएंगे पानी से आज के अंदर। मुझे थोड़ा सा चेंज किया, आपने मेरा गोलगप्पा खाया होगा, वो फुली लोडेड है। फुली लोडेड, ये बात तो है। गोलगप्पा गोलगप्पे जो मार्केट में मिलते हैं उनसे बहुत ही अलग है, बहुत ही डिफरेंट है और वो लोडेड है। मीन्स के गोलगप्पा ऐसा है कि अगर आप मेरी एक प्लेट खा लें तो आपको बिरयानी खाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको हल्की फुल्की भूख लगी है तो आप घर में यहीं आके खा सकते हैं एक प्लेट। सही बात, जो कि आप आराम से खा लेंगे। अच्छा। और एक आइटम मेरे पास और भी होता है, वो स्पेशल मीठी पापड़ी पूरी है। अच्छा। वो डिफरेंट है, ना तो वो पार्सल होता ना वो बगैर मीठे का बनता। अच्छा। एटलीस्ट आपको पूरे कराची में कहीं नहीं मिलेगा सिवाय मनपसंद के, क्योंकि वो हमारी खुद की इन्वेंट है। अच्छा, वो क्या चीज़ है हमें भी यार ज़रा दिखाओ। मैं आपको अभी बताता हूँ कि वो क्या चीज़ है। वो है कि गोलगप्पे, एक गोलगप्पे होते ना वो फ्राई करते हुए गोलगप्पे फूलते नहीं है, वो फ्लैट रह जाते हैं। अच्छा, मतलब अच्छा, कि वो गोलगप्पे की पापड़ी होती है, वो वेस्टेज होता है। वेस्टेज के भी हमने इतना अच्छा आइटम बनाया। अच्छा। कि आप जो है उसको खाएं तो उंगलियां चाटते रह जाएं। अच्छा। तो यार ये भी एक ऐसा आइटम बनाया जा रहा है जो अभी तक मैंने देखा तो नहीं, लेकिन मैं अभी खा के देखता हूँ आपको कैसा आइटम है, तो हम इसको खा के ट्राई करते हैं। पहले तो हमने ये गोलगप्पे लिए, बिल्कुल ही फ्लैट है पापड़ी, गोलगप्पे की वेस्टेज है, फूलता नहीं। हमने ये आइटम बनाया बहुत ज़बरदस्त सा, देखिए ये फ्लैटेड है, तो हमने डाली पापड़ी, पापड़ी फ्रेश हुई हुई है ये हमने डाली। इसके बाद हम डालेंगे खजूर की चटनी, ये भी होम मेड है, खजूर की चटनी है और ये फ्रेश पापड़ी डाल दें। हल्का सा इमली का पानी के हल्का सा यानी कि खट्टा टेस्ट आया, गोलगप्पों की पहचान ही खटास है, लेकिन हम मीठे ही बेच लें। हल्की सी इन्होंने इमली की चटनी डाली है और ये ऊपर चने डाल रहे हैं उसके ऊपर। उसके बाद ये ठीक है दही, इस दही में एक कतरा पानी नहीं। अच्छा, ओरिजिनल दही है, इसमें कोई पानी वानी मिक्स नहीं किया हुआ इन्होंने, दूसरा दही चाट वाले होते हैं अरोड़ वगैरह मिला देना, वैसे भी काम नहीं करते। ये कौन सी चटनी है? रायता है। अच्छा यार, ये इनकी स्पेशलिटी है, बहुत ये मतलब ये मनपसंद के अलावा कहीं और नहीं मिलेगा आपको पूरे कराची में, तो जब भी मनपसंद आओ तो ये लाजमी ट्राई करो। यार दिखने में तो ये बहुत ही कोई अच्छी चीज़ लग रही है, इसको खा के भी ट्राई करूँगा थोड़ी देर में। मैंने तो अभी तक ऐसी कोई चीज़ नहीं खाई है, तो इनकी रिकमेंडेशन पे मैं मनपसंद के खा के ट्राई करते हैं इसको। तो यार ये डिफरेंट आइटम है,
खाने का तरीका जो है ना, खाया और ऐसे खा लिया, ऐसे नहीं खाना। इसको खाना कैसे, इसको सबसे पहले आपने स्पून उठाया, अच्छा आपने ये सैलेड रखा हुआ, इसको अपने टेस्ट के हिसाब से ऊपर डाला, इसको थोड़ा सा लूज़ किया आपने, एक पीस पूरा पीस आपने उठाना है, अच्छा, और पूरा स्पून से ही मुँह में लेके जाना। तो यार ये चीज़ जो है ना, ये मनपसंद की सबसे ज़्यादा यूनिक चीज़ है, और जब भी मनपसंद हो तो ये खाओ, पूरे कराची में ये नहीं मिलेगी। इसको कहते हैं मीठी पापड़ी। तो ये बनवाई है और मैं ट्राई करने जा रहा हूँ इसको। ओए 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 ओए, कुछ चीज़ बनाई है भाई, कुछ चीज़ बनाई है, बहुत ही आला चीज़ है, बहुत ही आला, बहुत ही टेस्टी है। और ये चटनी वगैरह इसके ऊपर डाली है, ये भी काफ़ी अच्छा टेस्ट दे रही है, और ये बहुत ही मीठा मीठा बना रहा है इसके अंदर चटनी में। इसको इसके ऊपर डाल के और फिर इसको खाया जाए तो इससे और टेस्टी लगती है। बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। तो यार ये सिर्फ 110 रुपए में ऐसी चीज़ जो पूरे कराची में ना मिले, तो मैं तो ज़रूर रिकमेंड करूँगा, मनपसंद आओ। और ये जो मीठी, इनकी जो मीठी पापड़ी पूरी है, इसको लाजमी यहाँ आके ट्राई करो यार। तो उसके बाद हम नेक्स्ट डेस्टिनेशन में जाने वाले हैं, तो मैं इस वीडियो को यहीं एंड करता हूँ। थैंक यू। दिस इज कॉल्ड लकी वन। और यहाँ आ गए लकी वन। हाँ, लकी वन में पहुँच गए हम। दिन की दूसरी डेस्टिनेशन है लकी वन। वी लोग थोड़ा सा अलग है, सिर्फ फूड रिव्यूज नहीं है, और दिन के दूसरा जगह जो है वो है लकी वन मेरा। और पहले गाड़ी पार्क कर लें, फिर अंदर चलते हैं। मिनी शॉप पे मार्वल थीम चल रही है इस वक्त, और हमने जो प्रोडक्ट यहाँ से ख़रीदे हैं वो देखें आप, स्लीपर्स हैं, आयरन मैन की स्लीपर्स, और मग हैं, टी शर्ट्स हैं, काफ़ी चीज़ें हैं। मग लिए हमने यहाँ से, यार ये मग्स, टी शर्ट्स और प्रेगनेंसीज वगैरह, तो पूरी मार्वल की थीम यहाँ चल रही है मिनी शॉप पे लकी वन पे। तो आप यहाँ आएँ और ट्राई करें, काफ़ी इंटरेस्टिंग थीम है, बच्चों के लिए भी और अपने लिए, बड़ों के लिए भी, गर्ल्स के लिए भी, सबका कलेक्शन यहाँ मौजूद है। हमने कुछ यहाँ से खरीदा है और इसको लेके चलते हैं। गुड, बहुत ही लखपत सीन चल रहा है इस वक्त, बहुत तेरी गन्नी की चीजें हमारे ऊपर। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और इस चैनल को सपोर्ट करते रहो। अल्लाह।